सो हे गाइज, यहाँ पर अगर आपके पास इंडिया में Redmi 8 का डिवाइस है तो गाइज यहाँ पर फाइनली इंडिया के लिए Mi UI 12.0.2.0 का सेकेंड अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। गाइज यहाँ पर ये अपडेट इंडिया के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो अपडेट है लगभग सुबह के टाइम देखने के लिए मिला था 8:42 AM में, यानी कि सुबह 8 से 9 के आसपास मिला था, बट यहाँ पर काफी यूजर ने इसको मिस कर दिया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे इसको अभी अपडेट कर सकते हो, और जिनको नहीं मिला उनको फिर से अगर आप लोग वेट करना चाहते हो कब तक आप लोग के लिए फिर से रोल आउट हो जाएगा, साथ ही इस अपडेट में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो Redmi 8 के लिए इंडिया के लिए Mi UI 12.0.2.0 का अपडेट रिलीज कर दिया गया। यहाँ पर स्टेबल की साइज आप लोग देख सकते हो 648 MB की साइज है। अपडेट बढ़ा है लेकिन अपडेट लॉग में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर छोटे मोटे आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट की बात करूँ, मार्च 21 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर जो छोटे मोटे बग्स है और उसको फिक्स किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अपडेट है Redmi 8 के लिए सुबह के टाइम देखने को मिला था, तो यहाँ पर काफी जने मिस कर दिया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करने लगा है, इसकी जो लिंक्स है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करके रख लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कोई भी एक फाइल डाउनलोड कर लेना OTA अप्लाई के लिए, यानी कि OTA की एक फाइल है, एक यहाँ पर फुल रिकवरी की फाइल देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी एक फाइल डाउनलोड कर लेना, आपको सेटिंग में जाना है। डाउनलोड करने के बाद सेटिंग में जाके अबाउट में जाना है। अबाउट में जाके गाइज यहाँ पर आपको राइट साइड में एक कॉर्नर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चूज अपडेट पैकेज। यहाँ से सिंपली आपको उस डाउनलोड की हुई फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से आप लोग Redmi 8 में अभी Mi UI 12.0.2.0 का सेकंड अपडेट रोल आउट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग ऑफिशियली तरीके से वेट करना चाहते हो तो 2 या 3 दिन में फिर से आप लोग के लिए अपडेट रिलीज हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लेना, या फिर आप लोग चाहे तो मैन्युअली तरीके से अभी अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली इंडिया के लिए Redmi 8 के लिए भी Mi UI 12.0.2.0 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। तो जाओ फटाफट से एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना, शायद अभी भी अपडेट देखने के लिए मिला होगा। नहीं मिला तो मैंने आपको बता दें किस तरीके से अपडेट करना है। फिलहाल के लिए वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।